पुलिस द्वारा एक पूर्व जनप्रतिनिधि को पिकअप वैन लूट के मामले में जमकर पिटाई की गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने जब पानी मांगा तो पुलिस वालों ने पेशाब पिलाने की कोशिश की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने से आरोपी के शरीर पर गहरे जख्म हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है वह युवक पूर्व पंचायत समिति सदस्य है। मामला वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर ओपी का है। बेलसर ओपी की पुलिस ने पिकअप वैन लूट के मामले में एक युवक को पकड़ लाई और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस की पिटाई से आरोपी के शरीर पर जख्म गहरे हो गए। इतना ही नहीं, मानवता शर्मसार तब हो गई जब आरोपी पानी मांगा तो उसे पानी की जगह पेशाब पिलाने की कोशिश की गई। इस बात की जानकारी जो ही आरोपी के परिजन को हुई तो उसके परिजन बड़ी संख्या में बेलसर ओपी परिसर में पहुंचकर जमकर हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान पुलिस बैकफुट पर नजर आई, जिसके बाद आसपास के कई थानों के साथ साथ सदर SDPO राघव दयाल भी पहुंच गए। SDPO ने घटना की जाँच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर लोग शांत हुए और आरोपी को बॉन्ड के आधार पर छोड़ दिया गया। आइए सुनते हैं आरोपी ने ओपी परिसर में क्या कुछ कहा। वो अपने गाड़ी में से जैसे बोतल निकाल के जबरदस्ती से करवाया, यहाँ तू बोलो मारते मारते यहाँ तक लाया, उसके बाद जबरदस्ती से करवाया। हम भी डर के मारे बोल दिया कि यहाँ पीने के लिए जैसे खाली बोतल था, पानी पीने के लिए मांगे तो इन्होंने पेशाब करके गरम करके बोतल में रखा हुआ है अभी भी। कौन 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 ही पानी कौन दिया पेशाब कर? अब इसी में कोई स्टाफ दिया है।